हेलो गाइस, मैं आई के कम्युनिकेशन से इमरान और मैं आपको दिखा रहा हूँ MI का 6 प्रो मॉडल है। और ये सबसे पहले हमने सेंटर निकाल दी और हम इसका बैक पैनल निकालेंगे। बैक पैनल बड़े ध्यान से निकालेंगे क्योंकि ऐसा ना हो कि क्या नाम है फ्रेम वगैरह पे इसकी कोई डैमेज हो जाए। और सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबाएं जो हमारी आने वाली वीडियो आपके पास शो कर जाए। ये हमने देखो बैक पैनल हटा दिया, कस्टमर हमारे पास ही खड़े हैं। ओफो, इस पे तो जाली वगैरह कुछ भी नहीं है, तो जुगाड़ हुआ है नेटवर्क के, शायद तार बंधे हुए हैं, इसमें जंपर लगे हुए हैं। आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और हम पहले सबसे पहले इस पर नीचे की रिंगर डब्बी निकालेंगे, फिर देखते हैं ये तार कहाँ जा रहा है। हमारे हिसाब से तो नेटवर्क का तार है क्योंकि इसमें एंटीना वायर है नहीं। और यूं ही हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ठीक है। एक स्क्रू रह गया, इसको खोलें सर सही से। और हम रोज़ एक नई वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, कभी फोल्डर की, कभी इशू, स्क्रीन चार्जिंग का प्रॉब्लम है, इसके अंदर जेक की दिक्कत है। हमने ये बैक पैनल पीछे से हटा दिया आपके सामने। अब इसमें यहाँ पर टैपिंग लगा देंगे कि ये जो जंपर वगैरह है ना ये हटे ना। और यूं ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये हम इसकी CCC बोर्ड निकाल रहे हैं, ये इसको चार्जिंग पत्ता बोलते हैं, CCC बोर्ड बोलते हैं। ये हमने थोड़ा सा जूम कर दिया, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में थोड़ी सी क्लियरिटी कम है, मैंने जूमिंग कर दी है, कैमरे का थोड़ा सा इशू है। आने वाले टाइम में हम थोड़ा सा कैमरा ले लेंगे कोई, जिससे हम आपको बारीकी की चीज़ें भी दिखा सकें, ठीक है। आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। और ये हम इसमें हल्का सा पेस्ट लगा के इसका जेक उतारेंगे। ये कंपनी का जेक लगा हुआ है, सील्ड है। इसको टेम्परेचर बिल्कुल अपने हिसाब से रखें क्योंकि आप यूज़ करते होंगे, टेम्परेचर इस हिसाब से रखेंगे कि इस पर ज़्यादा हीट लगने से बोर्ड भी जले ना, ठीक है। आपके प्यार से और आपके के भाइयों की मदद से अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखो जेक उतारेंगे हम इसका, थोड़ा सा कैमरे का इशू है जो क्लियर नज़र नहीं आ रहा आपको, देख रहा होगा जो हमने पेस्ट लगाया था कैसा। ये बिल्कुल क्लियर उतर गया बिल्कुल। ऐसा होता है कि प्रिंट भी कुछ बंदे प्रिंट उतार देते हैं, इसके प्रिंट ख़राब हो जाते हैं, फिर प्रिंट बनाने पड़ते हैं। हम इसकी सोल्डिंग सफ़ा करेंगे, ठीक है, आयरन से। और यूं ही हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। कुछ समय के बाद हम आपको ये वीडियो एकदम क्लियर नज़र आएगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा जूमिंग करने के बाद थोड़े से पॉइंट में मैट हो गया, जो धुंधला हो गया, क्लियर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। अब हम इसमें जेक लगाने जा रहे हैं, हम हीट से ही जेक लगा देंगे, आयरन से भी लगा सकते हैं, गन से लगाएंगे तो ज़्यादा मजबूती रहेगी। हल्का सा हम चारों तरफ पॉइंटों पे हीट देंगे, जो हमारा इसमें शोल्डर लगा हुआ थोड़ा सा नरम पड़ते ही हम एकदम जेक बिठा देंगे, ठीक है।
यहीं आप बिठा दें, जेक ना जला दें, जेक जल गया तो फिर चार्जिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा जेक ओके लग गया है और हम आयरन से थोड़ा सा इसमें रिसोल्ड कर देंगे। ठीक है, देखता हूँ कुछ नज़र आया आपको, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट बने रहें हमारे साथ, यूँ ही जुड़े रहें। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ, इसको बिल्कुल सही तरीके से रिसोल्ड कर देंगे थोड़ा सा इसकी पिनों को, जो आपस में शॉर्ट ना हो। अभी मैंने देखो चार्जिंग पे लगाया है, जूमिंग हटा के। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने बोर्ड में लगाया और चार्जिंग ओके की रिपोर्ट आ रही है। अभी नेटवर्क एंटीना हमने जिसका जम्पर था वो हमने लगा दिया बोर्ड पे, सीसी बोर्ड पे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन ज़रूर लें। हम स्क्रू ड्राइवर से टाइट करेंगे थोड़ा सा, बैक पैनल लगा रहा हूँ मैं। देखो आप, सही बैक पैनल हमने लगा दिया, मतलब ऐसे ये हमने मैंने बैक पैनल लगा दिया इसका, और हम इसमें सिम स्लॉट डालेंगे और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यूं ही चार्जिंग ओके की रिपोर्ट है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।